नवरंगपुर जिले में धान मंडी आरंभ होनी एपटे सरकार का धान बिक्री जटिल टोकन व्यवस्था को नहीं चाषी असंतोष प्रकाश करी जड़े फसल उत्पादन करने लैम्स पंजीकरण करने को पड़े तापर जा टोकन लंबा धाड़ी रही टोकन आणवर जा धान बिक्री करपरी जटिल प्रक्रिय चाषी धान बिक्री करने कष्टर होती कम दाम बिक्री करी संगे संगे टंका पाइबा भी दलाल हाथ में दे दिंती चाषी गतकाल राज्य बाहर को दलाल माने धान ने बेले जोगाण विभाग जबत कर दुईट ट्रक किंतु प्रशासन कहि दलाल को उपरे नजर रखा जाए चाषी मानक धान बिक्री उपरे कौनसी असुविधा होगा दिजा नहीं जिलापाल ये चाष उठला परे आ गोटे चाष करने चाषी मैंने जगी बस हाथ में कौन से मानने आर्थिक किसी ना बाध्य से मिडिल मेन को देवा बाध्य होती आ गोटे चाष आगामी दिन में पचेबे आउ सरकार ये जो प्रकार कटकणा कर टोकन व्यवस्था ये तो शिक्षित लोक बुझी पार ना आदिवासी गरीब लोक कौन जानपारे जो मैंने जानूंज से मैंने लड़े कर दस पंदर दिन लड़े करके भी टोकन आने व्यवस्था कर जो मैंने जानूना से मैंने अंधपरी ये ये मान को मिडिल मैन को देकर जो लस बेयर करजर चाष गुजराण कर कम पैसा कम पैसा दे दौरान कि गाड़ी धान उमरकोट एरिया आंध्र प्रदेश आड़ को जामें से खबर पाई मुटा गाड़ी को आम जांच करूँ कागजपतर आम जानवा पाइल एटा जामरंडा ग्राम उमरकोट ब्लॉक रो यूबी 14 नंबर गाँव आंध्र प्रदेश रो पेदापुरम अभिमुखे जाऊला से वर्तमान यही केएमएस रे खरीफ ऋतु पाई सरकार प्रति क्विंटल धान 1815 क्विंटल पिछा धार्य कर 1615 टंकारे किणिकी आंध्र पट होता जोटा कि बिलो एमएसपी सब मंडी में जो आनुषंगिक व्यवस्था रहा कथा आरएमसी करेंगे जथा पा बसवाई आप तो धान चाषी आने गच्छित करने विगत वर्षर अनुभूति नहीं करी जो मैंने दलाल कि मिडिल मैन को डिस्करेज करने आम सीसीटीवी लगवा व्यवस्था करुचु एवं बिना टोकन रे आपंकर से भितर को जदि पशिब आम एलाउ करूँ ना एवं एंट्री पॉइंट और एक्जिट पॉइंट रे आपंकर जो सीसीटीवी रो फुटेज को आम तर्जमा करूँ मुझे आमर ए बर्षर धान प्रोक्योरमेंट समस्त सहयोग ठीक हे।